पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में चमक बिखेरने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को सीएम मोहन यादव ने सम्मानित किया है। टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने की। कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक वर्ल्ड डेफ शूटिंग और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के 8 खिलाड़ियों और विक्रम अवार्ड से सम्मानित 17 खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र दिया गया, साथ ही नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा लगता है कि जब आपको इतने बड़े स्टेज पे गौरवान्वित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमसे ज़्यादा दो लोगों को और खुशी होती है, अपने मम्मी पापा और एक गुरुजन को। हम दोनों को बहुत खुशी होती है जब उनका बच्चा या स्टूडेंट जब स्टेज पे चढ़ता है, इस मुकाम पे पहुँचता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होती है। मुझे बहुत खुशी है, पर मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी और हमारे सर को खुशी है कि मुझे आज ये गवर्नमेंट जॉब मिली और शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरे इस चीज़ में मेरा साथ दिया हमेशा, मेरी फैमिली, मेरे कोच और सरकार का भी, जिनने हमको नियुक्ति पत्र दिया। कौन से विभाग में आपकी नियुक्ति? मेरे को जल विभाग मिला है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा यहाँ का जो अरेंजमेंट किया गया है हम लोग के लिए, वो बहुत अच्छा किया गया है। ये स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हम खेल के उन्नयन के लिए लगातार काम करते हैं। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी। और मैं ये बात को यहाँ पर जरूर इंगित करना चाहता हूँ, जब मोहन यादव जी ने मुझे खेल विभाग की जिम्मेदारी दी और पहला कार्यक्रम हुआ और मैंने उनसे निवेदन किया, क्योंकि मेरा मानना है कि खेलों का सही उन्नयन होना है तो खेल किसी ना किसी एक मंच पर उसको हमें संरक्षित करने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था कि यदि हम प्रदेश में खेल के आयोजन की बात करें, खेल के हस्तक्षेप की बात करें, तो बहुत सारे विभागों में होना भी चाहिए। खेल विभाग अपना खेल कराता है, स्कूली शिक्षा विभाग अपना खेल कराता है, हायर एजुकेशन विभाग अपना खेल कराता है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अलग खेल के आयोजन होते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम जरूर करे, पर उसका नोडल और उसमें लीड करने का काम खेल विभाग को होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी एक्सपर्टी है।